जब भी आप किसी प्रकार का कोई व्रत आदि करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उस व्रत से संबंधित कथा का पाठ ज़रूर करें। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार व्रत का पाठ। जी हाँ, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उन लोगों को कौन सी कथा है जो सुननी चाहिए। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको सोमवार की पूरी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर शिव और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना को पूरी करने के लिए कहने लगी। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी इच्छा पूर्ण करने की इच्छा जताई भगवान शिव के सामने। पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर निकल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र इतना ज्यादा ईमानदार था, उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा काफी ज्यादा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरूर दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान तो दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के
ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने बेटे को जीवित देखकर, उसके जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से मैं प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, कथा पढ़ता है, उसके सभी दुख और दर्द भगवान शिव जी दूर कर देते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती रिपोर्ट।